उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा चुका है और वाराणसी के दक्षिणी विधानसभा में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं आरवाई न्यूज़। इस वक्त यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं इनके में काफी ज्यादा हर्षोल्लास देखा जा रहा है और बैंड बाजा के साथ एक बारात जैसा प्रतीत कर रहे हैं और पूरा रंग और अबीर जैसा, जैसे मान लिया जाए कि आज ही के दिन ये होली खेलेंगे, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा था कि देश में उत्तर प्रदेश में जब यहाँ पे जब परचम लहराएगी भारतीय जनता पार्टी का तो उसी दिन हम लोग होली खेल लेंगे। तो आइए हम कार्यकर्ताओं से जान लेते हैं, दक्षिणी की कार्यकर्ता है, काफी हर्षोल्लास है और इन्हीं से जानते हैं कि इनको कितना खुशियां व्यतीत कर रहा है। क्या नाम होगा? कैसा लग रहा है आज दक्षिणी? बहुत खतरे की इतनी खुशी की इसका व्याख्यान नहीं कर सकते। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमारी सरकार बनी है इसका साक्षात प्रमाण ये है कि हमारी सरकार ने बेहतर काम किया था, इसके वजह से हमको रिपीट किया गया। दक्षिणी बड़ा खतरों के हिसाब से खेल रही थी, बार बार क्रिकेट की तरह अप डाउन चल रहा था इस बार दक्षिणी में। बीजेपी हमेशा खतरों से ही खेलती आई है और उसके बाद माना जा रहा है 8 विधानसभा से 7 विधानसभा एकदम क्लियर जा रही थी, दक्षिणी में ऐसा क्यों? देखिए दक्षिणी में ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारा जो वोट का तुष्टिकरण था वो एक तरफा था और एक तरफा किसी की तरफ भी भार पड़ेगा तो उसका पलड़ा मजबूत होता है यहाँ पे। लेकिन जब 22वें-23वें चरण की जब सुनना शुरू हुआ उसके बाद से यहाँ से हमारी बढ़त शुरू हुई, मतलब हमको पता है कि हमारी वोट बैंक कहाँ है। कुछ लोग विकास होते हुए भी लोगों ने दूसरे पार्टी को चुनने की कोशिश की, इसका मतलब है कि वो आपके नीतियों से, आपके योजनाओं से नाराज हैं, तो उसका हम कोई तुष्टिकरण नहीं कर सकते। हमारा ये मालूम है कि हम इतनी बढ़ोत से जीतने वाले थे, हमको पूरा विश्वास था, हमको इस बात का तनको डर नहीं था कि हम दक्षिणी से हार रहे हैं। हम इस उत्साह के साथ हम अपनी तैयारी पूरी परिणाम के पहले ही ईवीएम पे आरोप लग गया था और इस बार क्या लगता है फिर ईवीएम के आरोप आएगी इस बार? हम लोगों को ये शुरुआत 2014 से ही ऐसा है कि 2014 से ही ये सुनने की आदत हो चुकी है। ईवीएम जब हारते तो इनका एक ही मुद्दा होता है ईवीएम गड़बड़ है, और जब बंगाल में जीते जब सब जगह जीतते हैं तो इनपे ईवीएम में प्रश्न नहीं होता, लेकिन जब ये हारते हैं तो इनका प्रश्न होता है कि ईवीएम चोरी हो गया, ईवीएम में गड़बड़ी है, ये तुष्टिकरण हमेशा होती है। जब सपा ने सरकार बनाई तो दूसरी बात बहुत ईवीएम उस समय भी था, जब बसपा ने सरकार बनाई ईवीएम उस ये खिलाई बिल्ली। और एक चीज और, जब आप लैपटॉप बांटते हैं और उसके बाद कहते हैं बैलेट पेपर पे आप वोट कराइए, मतलब ये आप पढ़े लिखे होने की जाहिलता वाली बात करते हैं, तो आप कैसे? एक ही मुख्यमंत्री दोबारा आया है, काशी की जनता उनको किस नजर से देखती है? एक ही मुख्यमंत्री दूसरी बार आया, इसके लिए हमारे लिए सौभाग्यशाली है हम, ये हमारा भगवा जो पहना हुआ भगवा का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है और वो देश हमारे प्रदेश को बहुत बेहतर चला सकता है, इसके लिए हम उनको बराबर चुनते रहेंगे, एक बार नहीं अगली बार भी चुनेंगे। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र काशी है, काशी की जनता भारतीय जनता पार्टी को किस नजर से? ये उनका घर है, उन्होंने अपने घर की तरह इसको सजो के रखा है, इसको संभाल के रखा है, उनका विशेष स्नेह है, तो हम लोग भी उनके परिवार की तरह है, उनको भी अपने घर की तरह मानते हैं, इसलिए हमारा भी स्नेह उनकी तरफ पूरा। और 10 दिन पहले से हमारे यहाँ होली का उत्सव मनाया जा रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि बजवाइए।